और अब झाबुआ से अगली बड़ी खबर, जहां एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। शॉर्ट सर्किट के चलते यात्री बस में धुआं उठा था और बस में धुआं उठते ही फौरन यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बिना फिटनेस के वाहन दौड़ रहे हैं सड़कों पर, तमाम कार्रवाइयां होती है, लेकिन इसका असर आप देखिए, अभी भी कई ऐसे वाहन हैं जो कि फिटनेस चेकअप से बचकर इस तरह से अवैध तरीके से परिवहन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिला अस्पताल के सामने ही हादसा हुआ, लेकिन राहत भरी बात हुई कि सभी को समय रहते बस से नीचे उतार दिया गया। चलिए बात करेंगे दमोह की, जहां पर सेंट जॉन स्कूल के मेन गेट के सामने दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाई और बच्चे वापस घर लौट आए। आपको बता दें, पुलिस विभाग के शासकीय आवास निर्माण के लिए ये दीवार खड़ी की गई है। दीवार खड़ी होने से मेन गेट बंद हो गया स्कूल का और सुबह सवेरे पहुंचे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाई। स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी करके बच्चों को घर रवाना किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जमीन से रास्ता बनाया गया है। स्कूल प्रबंधन कलेक्टर SP से मिलकर आज समस्या का समाधान करेगा और कोर्ट जाने की बात भी स्कूल प्रबंधन ने कही है इस मामले को लेकर। कल अचानक रात को पुलिस वाले ने पूरा गेट मतलब बाउंड्री बंद बना दिया गेट के सामने, तो पूरा रात में उमस आया, लेकिन हमको सूचना कुछ नहीं दिया था। और हमको भी सड़क है, हमारा ड्राइंग में दिया हुआ, हमको भी रास्ता है इधर। तो अचानक ये जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, इससे परेशानी ये हुई है कि आज हमें स्कूल का अवकाश भी करना पड़ा है, पेरेंट्स को हम सूचना भी नहीं दे पाए हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे भी परेशान हुए हैं और जो उनका शिक्षा का मूलभूत अधिकार है उससे वो वंचित हो गए हैं। वाली बेटी को छोड़ने आया स्कूल, तो देखा सारे पेरेंट्स भी बहुत से और बच्चे बाहर खड़े हैं, सर लोग भी खड़े हैं, और स्कूल का मेन गेट के सामने दीवार खड़ी हुई है। ये दिख रहा है कि यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई स्कूल के मेन गेट पर। क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? आप जानकारी अभी कुछ भी नहीं है, जानकारी यही लोगों से यहाँ जो है उनसे पूछ के पता चला है कि रात में प्रशासन ने यहाँ दीवार उठा दी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर की, जहां इस्तीफे के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पद से इस्तीफे की बात को स्वीकार वो करती नजर आती हैं। सर्वधर्म सभा के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति न मिलने और मौलिक अधिकारों का हरण का आरोप लगाया है। छतरपुर जिले की लवकुश नगर तहसील में SDM के पद पर निशा बांगरे पदस्थ थी। इस कार्यक्रम में पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को, अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ। तो वहीं SDM निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि BJP अफसरों को प्रताड़ित कर रही है, वहीं BJP के अपने ही अलग तर्क हैं इस इस्तीफे को लेकर। देखिए, जिस तरह से निशा बांगरे जी को लगातार पिछले कई समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि यदि कोई कांग्रेसी मानसिकता का अधिकारी कर्मचारी है तो भारतीय जनता पार्टी का शासन उसे बर्दाश्त नहीं करता, और इस तरह से उन्हें धार्मिक आयोजन की अनुमति में शामिल न होने देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक संकीर्ण मानसिकता है उसको दर्शाता है। बड़ी शर्म की बात है, सिविल सर्विस सेवा के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत यदि उनको अनुमति नहीं दी तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब इसमें भाजपा कहां से आ गई? अब हर चीज के एक नियम होते हैं, यदि कोई नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, तो उसके नियम का पालन करना पड़ता है। और अब ये खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस मानसिकता की थी वो अधिकारी, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि उनकी विचारधारा की थी? कोई पद पर रहते हुए व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, क्या किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से काम कर सकता है क्या? तो कांग्रेस को स्वीकार रही कि उनकी विचारधारा से काम कर रही थी, मतलब वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही थी। और इस बीच क्रिकेट जगत से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। वनडे और टेस्ट में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। टेस्ट टीम से चेतेश्वर पुजारा बाहर रखे गए हैं। टेस्ट में ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल की एंट्री हुई है, और साथ ही साथ मुकेश कुमार उनादकट, नवदीप सैनी को भी जगह मिली है।
अजिंक्य नरहाणे को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया है। वनडे में संजू सैमसन की वापसी हुई है। 12 जुलाई से वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत और सीरीज में 2 टेस्ट 3 वनडे 5 T20 मैच खेले जाने। क्रिकेट जगत से बड़ी जानकारी, अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। संजू सैमसन की वापसी इस टीम में। आपको बताएं कुल मिलाकर सीरीज में 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। 12 जुलाई से दौरे की शुरुआत होगी। अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन के तौर पर प्रदर्शन दिखाएंगे, साथ ही साथ मुकेश कुमार उनादकट और नवदीप सैनी को भी टीम में जगह दी गई है। सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। वनडे और टेस्ट सीरीज, जो कि वेस्टइंडीज दौरे को लेकर पूरी लिस्ट, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं, ये एक बड़ी जानकारी। टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा बाहर रखे गए हैं। और चलिए सीधे बात करेंगे पटना की, जहां विपक्षी दलों की महाबैठक खत्म हो चुकी है। करीब 3 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चली। 15 दलों के 27 नेता इस बैठक में शामिल हुए। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के ने भी शिरकत की थी। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, ये तमाम बड़े नेता 15 अलग अलग दलों से यहां पर पहुंचे थे। और अब ये जानकारी कि ये बैठक खत्म हो गई है। विपक्षी एकता के मद्देनजर इस बैठक को बुलाया गया था। यही रणनीति थी कि किस तरह से भाजपा को चैलेंज किया जा सके, ऑपोजिशन सख्त हो, इसी तैयारी में विपक्षी दलों की महाबैठक बुलाई गई थी। सहयोगी आनंद से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। आनंद, आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ हुआ इस बैठक में अभी तक? बैठक अब लगभग 4.25 घंटे तक चला, लगभग 12 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और 4.25 बजे तक ये बैठक चली और बैठक खत्म हो चुकी है। और बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में कई सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। एक जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा आपसे कुछ देर के बाद प्रेस वार्ता में किया जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के तो तमाम पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की भी बात हो रही है और बीजेपी के खिलाफ हमला किया कैसे किया जाए, उसकी रणनीति क्या है, उस पर भी बात हुई है। इसके अलावा एक कमेटी बनाने की बात कही है जो तमाम पार्टियों के साथ तालमेल बैठाएगा, सामंजस्य बैठाएगा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत गठबंधन बन सके। एक मुद्दे इस पर भी चर्चा हुआ कि जो आज 15 पार्टियां शामिल हुई थी बैठक में, वो 15 पार्टियों की एकजुटता बनी रहे, उसके लिए आगे आने वाले समय में भी बैठक होगी। और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो बात इस बैठक में सामने आ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहल पर ही राजधानी पटना में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिसके तमाम बड़े विरोधी दल के प्रमुख नेता है इस बैठक में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है, ये बैठक एक तरीके से महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि इस बैठक में क्या कुछ। चलिए देखना होगा आनंद, किस तरह के ऐलान आगे किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।